आज का 12 तारीख में सेशन है निर्गमन के 35 अध्याय, लोका 20 अध्याय, यहेजकेल 17 अध्याय। तो हम निर्गमन को पढ़ेंगे 35 अध्याय पहले वचन से। मूसा ने इसराइलियों की सारी मंडली इकट्ठा करके उनसे कहा, जिन कामों के कारण करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वे ये है, 6 दिन तो कामकाज किया जाए, परंतु 7वां दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए पवित्र विश्राम का दिन ठहरे। उसमें जो कोई कामकाज करे वह मार डाला जाए, वरन विश्राम के दिन तुम अपने अपने घरों में आग तक न जलाना। फिर मूसा ने इसराइलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ले जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहे वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आए, अर्थात सोना, रूपा, पीतल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खाले, सुईसों की खाले, बबुल की लकड़ी, उजियाला देने के लिए तेल, अभिषेक का तेल और धूप के लिए सुगंध द्रव्य, फिर एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मनी और जड़ने के लिए मनी। तुम में से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है वे सब आकर जिस जिस वस्तु की आज्ञा यहोवा ने दी है वे सब बनाए, अर्थात तंबू और आवरण समेत निवास और उसकी गुंडी, तख्ते, बेंडे, खम्बे और कुर्सियां, फिर डंडों समेत संदूक और प्रायश्चित का ढकना और बीच वाला पर्दा, डंडों और सब सामान समेत मेज और भेंट की रोटियां, सामान और दीपकों समेत उजियाला देने वाला दीवट और उजियाला देने के लिए तेल, डंडों समेत धूपवेदी, अभिषेक का तेल, सुगंधित धूप और निवास के द्वार का पर्दा, पीतल की झंझरी, डंडों और आदि सारी सारे सामान समेत होम वेदी पाए समेत हौदे, खम्बों और उनकी कुर्सियों समेत आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार के पर्दे, निवास और आंगन दोनों की खूंटे और डोरियां, पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए काढ़े हुए वस्त्र और याजक का काम करने के लिए हारून याजक के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र भी। तब इसराइलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवकाई और पवित्र वस्त्रों के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। क्या स्त्री क्या पुरुष जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी वे सब जुगनू, नथनी, मुदरी और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट के देने वाले थे वे सब उनको ले आए, और जिस जिस पुरुष के पास नीले, बैंगनी या लाल रंग का कपड़ा या सूक्ष्म सनी का कपड़ा या बकरी का बाल या लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खाले या सुईसों की खाले थी वे उन्हें ले आए। फिर जितने चांदी या पीतल की भेंट के देने वाले थे वे यहोवा के लिए वैसे भेंट ले आए, और जिस जिस के पास सेवकाई के किसी काम के लिए बबुल की लकड़ी थी वे उसे ले आए। और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था वे अपने हाथों में सूत कात कात कर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के काते हुए सूत को ले आई। और जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था उन्होंने बकरी के बाल भी काते, और प्रधान लोग एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मनी और जड़ने के लिए मनी और उजियाले देने के और अभिषेक और धूप के सुगंध द्रव्य और तेल ले आए। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी उसके लिए जो कुछ आवश्यक था उसे वे सब पुरुष और स्त्रियां ले आई जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार इसराइली यहोवा के लिए अपनी ही इच्छा से भेंट ले आए।
तब मूसा ने इसराइलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को, जो उरी का पुत्र और हूर का पोता है, नाम लेकर बुलाया है, और उसने उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है कि वह कारीगरी की युक्तियां निकाल कर सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में, और लकड़ी पर नक्काशी करने में, वरन बुद्धि से सब भांति की निकाली हुई बनावट में काम कर सके। फिर यहोवा ने उसके मन में और दान के गोत्र वाले अहिंसामक के पुत्र ओहलीआब के मन में भी शिक्षा देने की शक्ति दी है। इन दोनों के हृदय को यहोवा ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया है कि वे नक्काशी करने और गढ़ने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म सनी के कपड़े में काढ़ने और बुनने, वरन सब प्रकार के बनावट में और बुद्धि से काम निकालने में सब भांति के काम करें। लुका 20 अध्याय पहले वचन से हम पढ़ते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह मंदिर में लोगों को उपदेश देता और सुसमाचार सुना रहा था, तो प्रधान याजक और शास्त्री प्राचीनों के साथ पास आकर खड़े हुए और कहने लगे, हमें बता, तू इन कामों को किस अधिकार से करता है, और वह कौन है जिसने तुझे यह अधिकार दिया है? उसने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? तब वे आपस में कहने लगे, यदि हम कहे स्वर्ग की ओर से, तो वह कहेगा, फिर तुमने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? और यदि हम कहे मनुष्यों की ओर से, तो सब लोग हमें पथराव करेंगे, क्योंकि वे सचमुच जानते हैं कि यूहन्ना भविष्यद्वक्ता था। अतः उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते कि वह किसकी ओर से था। यीशु ने उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूँ। तब वह लोगों से यह दृष्टांत कहने लगा, किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और किसानों को उसका ठेका दे दिया और बहुत दिनों के लिए परदेश चला गया। मरकुस के 12 अध्याय का पहला वचन से लेकर 12 तक और मत्ती का 21 अध्याय का 33 वचन से 46 तक। इसका रेफरेंस मैं बता रही हूँ, ओके, ये रेफरेंस में दिया हुआ मेरे बाइबल में, तो इसको लिखा हुआ है, मैं बोल रही हूँ आपको कि ये रेफरेंस वर्सेस है। मैंने लिख ऐसे जो मार्किंग किए हुए रेफरेंस वर्सेस है, वो भी मैं बीच बीच में आपको बताते जाती हूँ। 10 वचन, नियुक्त समय पर उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि वे दाख की बारी के कुछ फलों का भाग उसे दे, पर किसानों ने उसे पीट कर खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक दास को भेजा और उन्होंने उसे भी पीट कर उसका अपमान करके खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने तीसरा भेजा और उन्होंने उसे भी घायल करके निकाल दिया। तब दाख की बारी के स्वामी ने कहा, मैं क्या करूं, मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, क्या जाने वे उसका आदर करें। जब किसानों ने उसे देखा तो आपस में विचार करने लगे, यह तो वारिस है, आओ हम उसे मार डालें कि विरासत हमारी हो जाए, और उन्होंने उसे दाख की बारी से बाहर निकाल कर मार डाला। इसलिए दाख की बारी का स्वामी उनके साथ क्या करेगा, वह आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाख की बारी दूसरों को सौंपेगा। यह सुनकर उन्होंने कहा, परमेश्वर ऐसा न करे। उसने उनकी ओर देखकर कहा, फिर यह क्या लिखा है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों के ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। भजन संहिता का 118 में 22 और 23 रेफरेंस वर्स है इसका। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। दानियल की पुस्तक में 2 अध्याय 34 और 35 का रेफरेंस वर्स है। उसी घड़ी शास्त्रियों और प्रधान याजकों ने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए थे कि उसने उनके विरुद्ध दृष्टांत कहा, परंतु वे लोगों से डरे और वे उसकी ताक में लगे और भेदिए भेजे कि धर्मी का भेष धर कर उसकी कोई ना कोई बात पकड़े कि उसे राजपाल के हाथ और अधिकार में सौंप दे,
उन्होंने उससे यह पूछा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता और सिखाता भी है और किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। क्या हमें कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? उसने उनकी चतुराई को ताड़कर उनसे कहा, एक दिनार मुझे दिखाओ, इस पर किसके छाप और नाम है? उन्होंने कहा, कैसर का। उसने उनसे कहा, तो जो कैसर का है वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। वे लोगों के सामने उस बात को पकड़ न सके, वरन उसके उत्तर से अचंभित होकर चुप रह गए। फिर सदुकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उनमें से कुछ ने उसके पास आकर पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए यह लिखा है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। उत्पत्ति के 38 का 8 वचन और व्यवस्था विवरण 25 का 5 वचन इसका रेफरेंस है, ये 28 वचन के लिए रेफरेंस। 29 पढ़ते हैं, अतः सात भाई थे, पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया, फिर दूसरे और तीसरे ने भी स्त्री से विवाह कर लिया, इसी रीति से सातों बिना संतान मर गए, सबके पीछे वह स्त्री भी मर गई। अतः जी उठने पर वह उनसे उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सातों की पत्नी रह चुकी थी। यीशु ने उनसे कहा, इस युग के संतानों में तो विवाह शादी होती है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठना प्राप्त करे, उनमें विवाह शादी न होगी। एक बात आपको यहाँ पर फोकस करना है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे, हाँ मतलब योग्य ठहरेंगे, मतलब ऐसे कोई सिलेक्टेड पीपल है, हाँ, कि उस युग को, यानी एक युग उनके लिए ठहरा गया है, और मरे हुओं में से जी उठना प्राप्त करे, ओके, यानी एक समय ठहराया गया है और उसके बाद मरे हुओं में से जी उठने का समय भी प्राप्त करे, ये दो अलग अलग चीज़ें किसी चोसन जनरेशन के लिए रखा गया है, ओके, जो ठहराए गए लोग रहने वाले हैं, उनमें से हम लोग हैं, ओके, उनमें विवाह शादी न होगी, वे फिर मरने के भी नहीं, ये हम लोग हैं, अनंत काल के जीवन में हम आ गए, क्योंकि वे स्वर्ग दूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान के संतान होने से परमेश्वर के भी संतान होंगे, परंतु इस बात को कि मरे हुए जी उठते हैं, इसको पूरा अंडरलाइन करना, 35-36 दोनों एक साथ, परंतु इस बात को कि मरे हुए जी उठते हैं, मूसा ने भी झाड़ी की कथा में प्रकट की है, वह प्रभु को अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है, निर्गमन 3:2, निर्गमन 3:6, ये रेफरेंस वर्सेस है इसके लिए। 38 वचन, परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित है। तब यह सुनकर शास्त्रियों में से कितनों ने कहा, हे गुरु, तूने अच्छा कहा, और उन्हें फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। फिर उसने उनसे पूछा, मसीह को दाऊद की संतान कैसे कहते हैं? दाऊद आप भजन संहिता की पुस्तक में कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पावों तले की चौकी ना कर दूं। दाऊद तो उसे प्रभु कहता है, तो फिर वह उसकी संतान कैसा ठहरा? जब सब लोग सुन रहे थे तो उसने अपने चेलों से कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो, जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना अच्छा लगता है और जिन्हें बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य आसन और भोज में मुख्य स्थान प्रिय लगते हैं, वे विधवाओं के घर खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, वे ये बहुत ही दंड पाएंगे। अगला सेशन हम 13 तारीख का अगली बार पढ़ेंगे। प्रभु यीशु हमारे साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।